और संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली के जंतर मंतर पर महापंचायत आज। पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों में आ रहे किसान। किसान नेताओं ने सरकार और दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम दिया है, जहां रोका जाएगा वहीं महापंचायत करेंगे। किसान नेताओं का कहना है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज दिल्ली के जंतर मंतर महापंचायत का ऐलान किया है। इसमें शामिल होने के लिए पंजाब, हरियाणा और यूपी समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसान मोर्चा ने धमकी दी है कि जहां उन्हें रोका जाएगा वहीं पंचायत करेंगे। किसानों ने आज सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक महापंचायत का ऐलान किया है। इसके बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने का प्लान है। ये लोग देश के सभी किसानों को कर्ज मुक्त करने, बिजली बिल 2022 को रद्द करने, गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने और बकाया राशि का तत्काल भुगतान किए जाने की मांग कर रहे हैं। किसान मोर्चा के नेताओं ने लखीमपुर खीरी नरसंहार के पीड़ित किसान परिवारों को इंसाफ देने की भी मांग की है। इसके अलावा अग्निपथ योजना की वापसी भी इनकी प्रमुख मांग है। वहीं धरने में शामिल होने दिल्ली जा रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को कल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस दौरान टिकैत ने ट्वीट कर केंद्र पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर काम कर रही दिल्ली पुलिस किसानों की आवाज को नहीं दबा सकती। यह गिरफ्तारी एक नई क्रांति लेकर आएगी। ये संघर्ष अंतिम सांस तक जारी रहेगा। ना रुकेंगे, ना थकेंगे, ना झुकेंगे।